Hello everyone. So guys, like in today class we talk about FortiGate interface type and zone. Guys, like if you see the topology, so as of now guys we have this topology and हमने क्या कर दिया, हमने दो इंटरफेस अभी ऐड कर दिए. जो मेरा पोर्ट 2 है ये मेरा लैन की तरफ जा रहा है और इसको जो मैं आईपी एड्रेस दूंगा तो इस पोर्ट पे गाइज मैं ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूंगा. और जो मेरा पोर्ट 3 है गाइज ये मेरा जा रहा है आईएसपी की तरफ, तो गाइज इसके ऊपर हम ये पब्लिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे. देन जो पोर्ट 1 है ये गाइज मैं एज ए मैनेजमेंट के लिए यूज कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर लाइक लास्ट वीडियो में हमने ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करा था और इस आईपी के थ्रू मैं फायरवॉल का जीयूआई एक्सेस कर पा रहा हूँ. तो इफ यू सी लाइक द इंटरफेस टाइप गाइस, तो फर्स्ट क्या है, अगर मैं फायरवॉल के इंटरफेस पे डायरेक्ट आईपी एड्रेस दे देता हूँ तो उसको गाइस हम कहते हैं लेयर 3 पोर्ट. तो इस केस में गाइस जो हमारा फायरवॉल है यानी कि इसका जो लैन इंटरफेस है इसको गाइस मैं इस फिजिकल पोर्ट पे डायरेक्ट ये आईपी एड्रेस क्या करूंगा, कॉन्फिगर करूंगा. देन गाइस आप लाइक फायरवॉल पे आप वीलैन भी क्रिएट कर सकते हो. तो इफ यू रिमेम्बर गाइस जो फायरवॉल के टाइप थे, जो फायरवॉल का मोड था लाइक इन द प्रीवियस वीडियो जो इसका मोड क्या था, नेट. तो नेट बेसिकली लगे इसको राउटर मोड भी कह देते हैं. तो इस मोड में गाइस नॉर्मली आपका यही मोड जो यूज होता है फायरवॉल का. इस केस में गाइस अब जब आप वीलैन क्रिएट करते हो बेसिकली अगर आप इसको कंपेयर करो तो ये लाइक अगर आप आपका जो फायरवॉल है तो अगर आपके पास ये आपका कहते होते हैं लेयर 2 स्विच है और यहाँ पे आपके पास वीलैन 10 है और वीलैन 20, तो इस केस में गाइस लाइक स्विच साइड पे आप ये पोर्ट ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर करोगे और यहाँ पे आप क्या बनाओगे, वीलैन बनाओगे 10 और 20. तो ये एक तरह से गाइस क्या है, आप एसबीआई यानी कि जो स्विच के ऊपर क्रिएट कर रहे हो द सेम कंसेप्ट क्या है गाइस आपका यहाँ पे फायरवॉल पे यूज. तो इन केस गाइस अगर आपको इंटर वीलैन राउटिंग करानी है तो उस केस में गाइस आप क्या है वीलैन यानी कि एसबीआई कॉन्फ़िगर करोगे फायरवॉल. सो इन दिस केस गाइस लाइक जो मैं दूसरा इंटरफेस कॉन्फ़िगर करूंगा वो मैं सब इंटरफेस क्रिएट करूंगा. तो इस केस में गाइस जो मेरा ये आईएसपी का जो पोर्ट है जो कि इस स्विच पे कनेक्टेड है तो इसको मैंने वीलैन 10 में कॉन्फ़िगर कर रखा है और स्विच साइड पे ये पोर्ट मैंने कर रखा है ट्रंक पोर्ट. और इस तरफ गाइज आप क्या बनाओगे, एसडीआई बनाओगे और उस एसडीआई को इस पोर्ट से क्या कर दोगे, बाइंड कर दोगे. आइडिया क्या है, कल को अगर दूसरा आईएसपी भी आपके पास आता है और इसको अगर मैं वीलैन 20 पे कॉन्फ़िगर करता हूं तो ये आपका ट्रंक पोर्ट है, तो जस्ट क्या है आपको कहते होते हैं इस तरफ क्या है एक और एसडीआई क्रिएट करना यानी कि वीलैन क्रिएट करना. देन जो थर्ड जो गाइज है आपका वी वायर, वर्चुअल वायर. तो वर्चुअल वायर बेसिकली क्या करता है आपका वर्चुअल वायर में गाइज, पहले तो मेन चीज क्या है, आप दो ही इंटरफेस पार्टिसिपेट करवा सकते हो. और वी वायर का कंसेप्ट क्या है, लाइक अगर आपका जो फायरवॉल है अगर आप लाइक से मेरा पोर्ट 1 और पोर्ट 2 ये दोनों सेम ही वर्चुअल वायर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो भी ट्रैफिक आएगा ये फायरवॉल ना तो आईपी एड्रेस चेक करेगा, सिंपली ट्रैफिक क्या कर देगा, ब्रिज कर देगा इस इंटरफेस की तरफ. ओके, तो ये आप ऐसा लगा लो एक तरह से ट्रांसपेरेंट फायरवॉल की तरह ही काम कर रहा है लेकिन सिर्फ आपके दो इंटरफेस 1 और 2 जो कि आपके इस वर्चुअल वायर में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे. देन गाइस जोन, तो जोन लाइक जनरली गाइस आप लाइक अगर मैं पोलो टो या जूनिपर की बात करूं तो हर एक इंटरफेस को जोन में पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है, बट FortiGate में ये क्या है, ऑप्शनल है. तो नॉर्मली गाइज लाइक जब मैं जो मेरा इंटरफेस लैन की तरफ जाता है तो इसको लाइक नॉर्मली हम एक जोन कन्फिगर करते हैं, एक नाम ट्रस्ट या इनसाइड. और जो दूसरा मेरा इंटरफेस आईएसपी की तरफ जाता है तो इसको मैं रखता हूं अनट्रस्ट जोन में या आउटसाइड, ये नाम है गाइज. लेकिन FortiGate में गाइज
जब आप रूल बनाओगे तो रूल में वो आपको ऑप्शन देता है, आप इधर पोर्ट नंबर भी कॉल कर सकते हो। जैसे ये आपका पोर्ट, लाइक हमारे सिनेरियो में जो पोर्ट 2 है वो लैन की तरफ है और जो आईएसपी की तरफ क्या है पोर्ट 3 आपका। तो अगर आप पॉलिसी बनाओगे, क्योंकि तो कोई भी फायरवॉल आपका ट्रैफिक पास नहीं करता जब तक आप फायरवॉल पे पॉलिसी नहीं बनाते। तो इस केस में गाइस आप लाइक जब आप पॉलिसी बनाओगे तो वो पूछेगा इनकमिंग इंटरफेस पोर्ट 2 और आउटगोइंग इंटरफेस आप पोर्ट 3 भी आप मेंशन कर सकते हो। हालांकि अगर आपने इस इंटरफेस को अगर आपने जोन में पार्टिसिपेट करवा रखा है तो वो आपको सिंपलीफाई करेगा, क्योंकि उस केस में गाइस जब आप पॉलिसी बनाओगे आप जोन का नाम कॉल करोगे इनसाइड आउटसाइड इंसाइड ऑफ द पोर्ट नंबर। सो आई शो यू लाइक हाउ टू क्रिएट द जोन ऑन द फोर्टीगेट फायरवॉल और कैसे मैं इंटरफेस को जोन में असाइन करता। तो इस केस में गाइस क्या है, लाइक फायरवॉल का जो नेटवर्क टैब है इसके अंदर गाइस हम ये इंटरफेस क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। सो इन अवर सिनेरियो गाइस मेरे को आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने हैं, तो मेरे को जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, लाइक जो लैन इंटरफेस है विच इज पोर्ट नंबर 2 उसके ऊपर मैं डायरेक्ट आईपी एड्रेस दे रहा हूँ। ये मेरा फायरवॉल क्या है, इसका लाइक हम जीयूआई इसका एक्सेस करते हैं फायरवॉल का। ये आपका फायरवॉल का क्या ग्राफिकली इसका एक्सेस आ गया। उसके बाद गाइस जो आपका नेटवर्क जो टैब है इसके अंदर मेरे इंटरफेस है, तो ये रहे आपके इंटरफेस। तो इस केस में गाइस अगर जो मेरा पोर्ट नंबर 2 था तो अगर मेरे को इसको कॉन्फ़िगर करना है तो इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा और उसके बाद इसको गाइस मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दूं। ये मेरा पोर्ट नंबर 2 है, मेनली गाइस जो कहते होते हैं मैं इसको लाइक जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 10.1.1/24 और जो रूल है गाइस बाय डिफॉल्ट कहते होते हैं यहाँ पे आपके पास जो फायरवॉल पे। सो दिस इज गाइस नॉट अ जोन, ये रोल बेसिकली क्या है, अगर आप देखो लैन जोन यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो ये गाइस कुछ ऑप्शंस लाइक डीएससीपी सर्वर अगर आपको लाइक ऑप्शन मिलेगी आपको, ओके डिवाइस डिटेक्शन। तो अगर इस इंटरफेस के नीचे जो भी आपके डिवाइसेज होंगे मतलब कौन से डिवाइसेज है विंडो मैक तो ये उसको डिटेक्ट करेगा। अगर आप कोई दूसरा रोल डिफाइन करते हो जैसे वैन, तो लाइक वैन पे गई आपको लाइक जो डीएससीपी सर्वर डिवाइस डिटेक्शन वो सारे ऑप्शन क्या चलेंगे। लेकिन इन केस गाइस अगर आप अनडिफाइन करते हो तो ये आपको सारे ऑप्शन दिखाएगा और फिर आपके ऊपर है आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए। तो इस केस में गाइस लाइक मेनली मेरे को क्या है इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है और दैट्स ऑल, और इसको मैं ओके कर रहा हूं। और इफ यू सी गाइस नाउ अभी इस फायरवॉल के दो पोर्ट कॉन्फ़िगर हो गए, एक तो जो पोर्ट 1 जिसको मैं मैनेजमेंट के लिए यूज कर रहा हूँ और उसके ऊपर मैंने ये सारी सर्विस क्या है ऑन कर रखी है। हाउएवर जो मेरा दूसरा पोर्ट है गाइस लैन वाला, ना तो मैंने इस पे पिंग सर्विस अलाउ करी है और ना ही मैंने एचटीटीपीएस, तो कोई सर्विस ऑन नहीं है। दैट मीन्स क्या है आप जो आपका जो लैन में अगर आप फायरवॉल के इस आईपी को पिंग करोगे वो पिंग आपका अलाउ नहीं करेगा। सिमिलरली आपका जो फायरवॉल है अगर इस आईपी से आप उसको एक्सेस करोगे एसएसएच या HTTP तो ये आपका फायरवॉल का एक्सेस नहीं होगा। बट इन केस गाइज अगर आपको करना है आपको ये सर्विस ऑन करनी है तो उस केस में गाइज अगर आप पोर्ट पे गए गाइज ये रही आपकी सर्विस। जैसे गाइज मैं पिंग अलाउ कर रहा हूँ बट अगर आपको लाइक अदर मे बी आपको लाइक आपका जो फायरवॉल है वो आपके लैन इंटरफेस में भी आपका वो एक्सेस होना चाहिए थ्रू जीयूआई, तो ये आप अपनी सर्विस क्या यहाँ पे ऑन कर सकते। यहाँ पे गई सिर्फ मैं पिंग सर्विस ही क्या कर रहा हूँ मैं ऑन कर रहा हूँ। तो गई ये आपके जो फिजिकल पोर्ट है, और गई अगर आपको लाइक जो इधर वीलैन इंटरफेस क्रिएट करना है यानी कि SVI या जोन कॉन्फ़िगर करना है जो वर्चुअल वायर, तो वो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है।
तो जो सेकंड इंटरफेस है गाइस वो मैं एसबीआई के थ्रू मैं क्रिएट करूंगा। तो मैं इंटरफेस पे गया और यहाँ पे गाइस आपको कुछ भी नाम दे देना है। सी जो मैं ये मेरा इंटरफेस है वो मेरा क्या है इंटरनेट के लिए है। और यहाँ पे गाइस क्या है आपको बाइंड करना है। और जो वीएन आईडी है गाइस क्या रहेगी वो आपकी 10 ही रहेगी। ओके तो अब जो आईपी एड्रेस आपको कॉन्फ़िगर करना है तो आईपी एड्रेस जो 1.1.2 आईएसपी की तरफ क्या है 1.1/30। और यहाँ पे भी गाइज आप सर्विस ऑन कर सकते हो। और गाइज यहाँ पे मैं रोल क्या यूज कर रहा हूँ अनडिफाइंड। ओके और उसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। और तो यहाँ पे देखो आप ये प्लस सिंबल, तो ऐसे आप मल्टीपल कहते होते हैं वीलैन ऐड कर सकते हैं। तो इस केस में गाइज अगर आप ऐसे ये आपका इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया, अगर मैं पिंग करता हूँ आईएसपी के आईपी को गाइज आप यहाँ से भी फायरवॉल का सीएल एक्सेस कर सकते हो। तो एग्जीक्यूट पिंग आईएसपी का आईपी एड्रेस है विच इज 1.1.1.1। तो ये देखिए मेरे क्या है कम्युनिकेशन हो रहा है। उसके बाद गाइज अगर आपको लाइक इंटरफेस जोन में पार्टिसिपेट करवाने हैं तो जनरली गाइज लाइक जगह जब मैं आपको दिखाता हूँ लाइक जब आप फायरवॉल पे पॉलिसीज बनाते हो फायरवॉल पॉलिसीज तो जोन क्या है सिंप्लीफाई कर देते हैं। जब मैं पॉलिसी बनाता हूँ जैसे अगर आप पॉलिसी बनाते हो देखो तो फोर्टिगेट फायरवॉल जब आप अपने नेटवर्क में प्लेस कर दोगे तो ये कोई भी ट्रैफिक पास नहीं करेगा अनलेस के आपकी पॉलिसी नहीं बनी हुई। तो यहाँ पे गाइज देखो अभी मेरे पास क्या है सिर्फ इंटरफेस आ रहे हैं बट वंस आई क्रिएट द जोन यहाँ पे जोन आ जाएंगे। जोन में आपका लिखेंगे जो पॉलिसी बनी है वो आपकी इनसाइड या ट्रस्ट टू अनट्रस्ट बनी। तो इस केस में गई अगर आप लाइक दोबारा नेटवर्क इंटरफेस पे गए तो जो मेरे दो इंटरफेस हैं इसको मैं जोन में पार्टिसिपेट करवा रहा हूं। तो ये जो मेरा इंटरफेस लैन की तरफ जा रहा है इसको मैं रख रहा हूं ट्रस्ट। और जो दूसरा इंटरफेस है जो कि आईएसपी की तरफ जा रहा है इसको मैं रख रहा हूं अनट्रस्ट। यहाँ पे गाइज आप जोन कॉन्फ़िगर करोगे और उसके बाद यहाँ पे आपको नाम दे देना है ट्रस्ट। हालांकि एक ही जोन में गाइज आप क्या है मल्टीपल इंटरफेस कॉल करा सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट गाइज इफ यू सी दिस ऑप्शन लाइक ब्लॉक इंट्रा जोन ट्रैफिक अगर आप इसको डिसेबल करते हो तो जो इंट्रा जोन ट्रैफिक होगा। ओके इंट्रा जोन ट्रैफिक मीन्स अगर जैसे ये आपका फायरवॉल है और ये आपके इंटरफेस 1, 2 ये आपने एक ही जोन में आपने रख दिए ट्रस्ट में। और अगर आप इसको डिसेबल करते हो तो जो भी ट्रैफिक लाइक इस इंटरफेस से और दूसरे इंटरफेस पे आपका ट्रैफिक लीव हो जाएगा तो ये अपने आप ही क्या होगा अलाउ होगा। तो इसके लिए मेरे को कोई फायरवॉल पॉलिसी यानी कि रूल की कोई जरूरत नहीं है। बट इन केस गाइस अगर आप इसको ऑन रखते हो तो इन केस गाइस अगर आपका ये ट्रैफिक लाइक पोर्ट 1 से आता है और पोर्ट 2 से आपका ये ट्रैफिक लीव होता है तो इस केस में गाइस क्या है जब तक आपके फायरवॉल पे रूल नहीं बना होगा तो आपका फायरवॉल क्या है ट्रैफिक को पास नहीं करेगा। सो इन अवर केस गाइस लाइक जो मेरा लैन इंटरफेस एक ही लैन इंटरफेस है मेरे पास विच इज पोर्ट नंबर 2 तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ इसमें ऐड कर रहा हूँ। ओके ये आपका एक जोन क्रिएट हो गया ट्रस्ट और जो पोर्ट नंबर 2 है वो उसमें क्या कर रहा है पार्टिसिपेट कर रहा है। सिमिलरली गाइज अगर मैं एक नया जोन बनाता हूं अनट्रस्ट और उसमें कहते होते हैं मैं इंटरफेस पार्टिसिपेट कर रहा हूँ पोर्ट नंबर 3 तो ये आपका कहते होते हैं एक और जोन क्रिएट हो गया अनट्रस्ट पोर्ट नंबर 3। तो इस केस में गाइज लाइक जब मेन बेनिफिशियल क्या है फोर्टिगेट फायरवॉल पे जोन क्रिएट करने का तो अगर इन दिस केस गाइज अगर आप जब पॉलिसी क्रिएट करते हो लाइक फायरवॉल पॉलिसी क्रिएट न्यू इसके बाद गाइज जब मैं पॉलिसी कॉल करूंगा तो गाइज यहाँ पे देखो मेरे पास जोन आ रहा है तो ट्रस्ट अनट्रस्ट।
सो इंस्टेड ऑफ इंटरफेस नंबर, तो अगर आपके इंटरफेस जोन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप यहां पे जोन कॉल करवा सकते हो। बट लाइक इफ यू टॉक अबाउट पालो ऑल्टो फायरवॉल जूनिपर, उसमें लाइक ये नेसेसरी है हर एक इंटरफेस क्या है जोन में पार्टिसिपेट कर। फिर जब पॉलिसी बनाते हो तो आप उसी स्पेसिफिक लाइक ट्रस्ट टू अनट्रस्ट पॉलिसी बनाते हो। बट इन 40 गिग फायरवॉल गाइज दिस इज ऑप्शनल। एंड गाइज इन केस गाइज अगर आपको वी वायर बनाना है तो गाइज आप लाइक यहाँ पे वर्चुअल वी वायर और इसका कुछ भी नाम दे दोगे, और इसमें गाइज आप दो ही पोर्ट लाइक जैसे मैंने नाम दे दिया कुछ भी ABC, और उसके बाद गाइज यहाँ पे आपके जितने भी पोर्ट पेंडिंग है वो आप यहाँ पे कॉल कर लोगे। तो यहाँ पे गाइज मेरे पास एक ही पोर्ट दिख रहा है बिकॉज रेस्ट ऑफ पोर्ट मेरे क्या ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो गए हैं। बट आई शो यू लाइक अगर आप ऐसे लाइक तो इस केस में गाइज लाइक इस अगर आप स्नैपशॉट में देख रहे हो तो ये जो पोर्ट वन है ये इसके ऊपर क्या है डायरेक्ट IP एड्रेस कंफिगर है, और जो पोर्ट थ्री है ये लाइक सब इंटरफेस बने हुए हैं। और अगर आप वर्चुअल वायर की बात करो तो वर्चुअल वायर में आप ऐसे तो वर्चुअल वायर में गाइस क्या है दो ही पेयर होंगे यानी दो ही पोर्ट होंगे आपके। एक जिस इंटरफेस पे ट्रैफिक आएगा उस पे लीव कर देगा विदाउट चेकिंग द IP एड्रेस। ओके, और जो जोन जैसे मैंने आपको दिखाया तो एक ही जोन में आप मल्टीपल इंटरफेस कॉल करो। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।